नमस्कार, मैं मनीष कुमार नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़, राजस्थान। आज हम हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में मीराबाई को या इनका एक अध्याय शामिल किया गया है। तो मीराबाई का उनकी रचनाओं से जो भी पद पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उनको पढ़ें, उससे पहले हम मीराबाई के विषय में उनके जीवन परिचय से अवगत हो लेते हैं। मीराबाई का परिचय प्रस्तुत करने से पहले हाँ, मीराबाई जिनका जन्म राजस्थान के कुड़की नामक गांव में हुआ था, जो मेड़ता राजघराने से रही हैं। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त कवित्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंगकर और भी गहरी हो जाती है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। ये कृष्ण की भक्त हैं और इनके गुरु हैं रविदास जी, जो कबीर के समकालीन हैं। तो सबसे पहले मीराबाई का जीवन परिचय। इनका जन्म पाली, जो राजस्थान में है, के कुड़की नामक गांव में दूदाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लग गई थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। मीराबाई विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करने लगी और इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पर पति के परलोक चले जाने के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के साथ कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचने गाने लगी। मीरा का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीरा को विष देकर मारने का प्रयास भी किया। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से मीरा परेशान हो गई और वे कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिरों द्वारका और वृंदावन में चली गई, और वहाँ और जहाँ भी मीराबाई जाती थी वहाँ लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। लोग उन्हें देवी जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला, खानवा का युद्ध, ये सब मीराबाई के समय में ही हुए थे। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा रहस्यवाद और भक्ति की मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। मीरा की कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें नरसी जीरो मायरो,
गीत गोविंद की टीका, मीरा बाई का मलार, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीरा के पद और पदावली, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद।